तीन दिन के बाद अगर वो कांटेक्ट नहीं करती है तो तब शायद हमें बोट छोड़नी पड़े। और कुछ दिन रुक जाओ, जरूर करेगी। हेलो, ये पहला कॉन्ट्रैक्ट एक प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे बीच डिवोर्स जरूर होगा, वो भी शादी के 3 महीने बाद ही, और तुम्हें मुआवजे के तौर पे एक मोटी रकम मिलेगी। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है एलेक्स का लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट, इस पर हम दोनों को साइन करना है और मैंने साइन कर दिया है। और आखिरी है वो ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट जिससे मैरी मी ट्रांसफर होगा मेरे नाम पर। मैं नहीं मानती। अगर तुम साइन नहीं करोगी तो सारे इकोनॉमिक लॉसेस के तुम जिम्मेदार होगे, पूरे एशिया के। सोच लो, तुम्हारे पेरेंट्स रियल एस्टेट है, तुम्हारी माँ एक लॉन्ड्री चलाती है और एक ऑनलाइन स्टोर जो अपनी दोस्त लिन जीवा के साथ चलाती है। सब कुछ हमें मिल जाएगा, तो फिर से एक बार सोच लो। येंचे चैन, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अगर तुम इन 3 कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करती हो तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। इरादा क्या है तुम्हारा? 1000 युआन, सिर्फ 3 दिन में। मैं पेन ढूंढ रही थी। लेकिन मैं इसमें और 3 शर्तें जोड़ना चाहती हूँ। तुम निगोशिएट करने की पोजीशन में नहीं हो। येंचे चैन, भूलिए मत, मैं भी आप ही की चॉइस हूँ, इसलिए मुझे हक है। ठीक है। पहली, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप मेरी जिंदगी में और मेरे काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। और अगर हम साथ में रहते हैं तो मुझे अपना एक प्राइवेट सिंगल रूम चाहिए। अगर तुम नहीं भी बोलती तो भी मैं ऐसा ही करता। वेरी गुड। दूसरी, मैं आपके साथ रहूंगी, आपकी पत्नी बनकर, वो भी एक काम की तरह, सिर्फ 8 घंटे हर दिन। अगर ओवरटाइम करती हूँ तो डबल पे करना होगा। मैं 3 गुना पे करूँगा। तीसरी, हम दोनों सिर्फ शादी कर रहे हैं, आपके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस लाती कहाँ से? आप प्रॉमिस कीजिए। Hey young, revise the contract. ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अब आप साइन कर सकती हैं। आपके साथ काम करके खुशी हुई। पहले किसी भी बात का टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है और हम आप पर कोई केस नहीं करेंगे। अब जब तुमने साइन कर ही दिया है, अगर तुम कोई भी गलती करती हो तो तुम्हें ही उसका भुगतान करना होगा। तो ठीक है, अब तुम जा सकती हो और तुम्हें शादी मुबारक हो। अरे हाँ, पापा, हाय माँ, ये मौका एक साथ सेलिब्रेट करने का है। चीयर्स। जी जी, इधर आओ बेटा। इसे रख लो। पता है वो जब इतना छोटा था। देखो, तुम ज्यादा मत पीना क्योंकि आखिर में मैं मदद नहीं करने वाला। अगर नहीं पीऊंगी तो डर है कि कहीं शादी से ना भाग जाऊं। आइए लीजिए ना। हाँ, ये खुशनसीबी माना जाता है। हाँ जरूर। हम सिर्फ एक ही बार मिले हैं, लेकिन शीशी ने तुमसे शादी करने का सोचा। इसका मतलब तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। आज से शीशी तुम्हारी वाइफ है, तुम उसका ध्यान रखना। मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। कुछ बातें हैं जो तुम्हें जानना चाहिए। पहले, शीशी को स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। वो रोना चाहती है जब उदास होती है,
पर उसे पसंद नहीं कि किसी को ये पता चले। दुखी होती है तो ऐसा करती है। दूसरा, शिशि का हमेशा सपना रहा है कि वो एक डिजाइनर बने। पुराने पूरे दिनों में शिशि ने इन सबसे समझौता कर लिया था, पर अब वो आजाद है और मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम उसे सपोर्ट करोगे, और मैं चाहती हूँ कि वो खुल के अपना जीवन बिताए, और अंत में मैं खुश हूँ। उसे अपना सपना पूरा करने देना, और वो जो चाहती है उसे वो सब करने देना। इस गु को शायद चढ़ गई है। जानता हूं। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ये उल्टियां करके मर जाए और ये कल की न्यूज बन जाए कि मिस्टर येन की नई नवेली दुल्हन शादी की रात ही गुजर गई। इसका ध्यान रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसका कोई भी मजाक उड़ाए। ये क्या है? तुम रो क्यों रही हो? ये बहुत गलत है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी शादी उसी से होगी जिससे मैं प्यार करूंगी। वही मेरी उंगली में अंगूठी पहनाएगा और मैं हमेशा उसके साथ खुश रहूंगी। पर क्यों मेरी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट बनकर रह गई? तुम मुझसे नफरत करती हो? हाँ, I hate you. इंचिचन वो एक घमंडी इंसान है, झूठा है, मक्कार है, कमीना है। मैं चलता हूँ तुमसे। किस बात के लिए? क्योंकि तुम रो पाती हो, बचपने करती हो, और तुम्हारा जैसे मन वैसे रहती हो। बहुत दिनों से मैं रोया नहीं हूं। आखिरी बार कब रोया था याद भी नहीं है। तुमने एक बात बिल्कुल सही कही कि मैं बहुत ही घमंडी इंसान हूं और मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। गुजीजी, गुजीजी, गुजीजी।